देवेश कुमार जी चेयरमैन कमेटी डी आई जी भाई प्रभु चंद्र मुंशी जी भाई मुंजेश मुंशी जी भाई कुंडल वर्मा जी भाई संजय प्रकाश मुंशी जी जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक जी इस संस्थान से जुड़े हुए तमाम शिक्षकगण प्राचार्य महोदय और इस सेमिनार हॉल में उपस्थित हमारे तमाम प्रिय अध्यक्ष, मैं आपके लिए जाकर बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हुई, मुझे ये कोई आन नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, अनुमान नहीं था कि इतना अच्छा संस्थान अपने इस गया और बोध गया में चल रहा है। संस्थान के संस्थापक है अध्यक्ष जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ आप तमाम छात्रों को भी ऐसे अच्छे संस्थान में आपको पढ़ने का अवसर मिला। मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और आज से जितना 35 साल पहले मैंने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने पॉलिटेक्निक में पढ़ाया भी है 11 वर्षों तक। मैं लेक्चर भी रहा हूँ, आया था कमीशन कहा इतने से, तो शिक्षा से मेरा रुझान और खास मतलब तकनीकी शिक्षा से मेरा रुझान और लगाव काफी रहा। इस लगाव के नाते मैं कुछ अनुभव की बात आपको बताना चाहूँगा, कोई बहुत ही यह राजनीतिक मंच या कोई पूर्व आयोजित कार्यक्रम नहीं है किसी विषय पर बोला जाए। इस लॉन्सर में मेरे दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं, उसे मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। डिसिप्लिन सबसे आवश्यक, जीवन को यदि आगे ले जाना है तो अनुशासित जीवन व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाता है, अनुशासित परिवार परिवार की प्रगति को सुनिश्चित करता है और अनुशासित देश या प्रदेश विकास करता है। इंडिया और चाइना दोनों एक ही लगभग में आजाद हुए, चाइना हुबहू गुलाम नहीं था लेकिन वह स्वतंत्रता की भेड़ में एक दूसरे ढंग का था और भारत भी अंग्रेजों के हाथों गुलाम। हम 47 में आजाद हुए और चाइना 1949 ईस्वी में रिपब्लिक बना, हम अमेरिका